बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। देखिए बेटा, पेपर के बारे में डिस्कस करना है हमने। जो पेपर के क्वेश्चन थे उनके फार्मूलाज या उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ आज। देखिए, इसमें जो है वो फर्स्ट पेज है। देखिए, इसके अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 148, 145 से लेकर 145 है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट एच एट द सेम टाइम एन अदर बॉल इज फायर्ड हॉरिजेंटली विथ स्पीड वी फ्रॉम सेम हाइट दे विल हिट द ग्राउंड। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि इस तरह से हमारे पास एक सम हाइट है, इसे एक बॉल को ड्रॉप किया हुआ है, इस तरह से ड्रॉप किया हुआ है, और एक बॉल को इस तरह से हॉरिजेंटली थ्रो किया गया है वेलोसिटी वी से, जो इस तरह से आके गिरता है। तो देखिए, ये जो केस होता है इसके अंदर देखिए दोनों की हाइट सेम है। जिस हाइट से एक बॉल गिरता है उस हाइट से दूसरा बॉल गिरता है, और दोनों की वी नॉट वाई जो है वो जीरो है। दोनों बॉल्स की ये भी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई जीरो, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग जीरो, और ये दोनों के अंदर एक्सीलेशन जी के बराबर है। इसलिए इसमें ये होगा कि दोनों का टाइम सेम होगा और दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, तो दोनों बॉल्स की फाइनल वेलोसिटी इसलिए इक्वल होगी क्योंकि आपको पता है कि वी ए फिजिकल टू वी आई प्लस जी इंटू टी। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई जीरो है, जी दोनों की इक्वल, टाइम सेम, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जो है वो सॉरी फाइनल वेलोसिटी के अंदर इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, ये इसके दो कंपोनेंट आएंगे और इसका एक आएगा, तो दोनों की एक्सीलेशन सेम होगी। सॉरी, फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं होगी, दोनों की एक्सीलेशन सेम होगी। ठीक है, इस तरह से एक मिनट, तो बेटा दोनों की एक्सीलेशन इक्वल होगी क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो लाइक अ प्रोजेक्टाइल होता है, जो लाइक अ प्रोजेक्टाइल होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे वी एक्स होगा और वी होगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जबकि इसकी फाइनल वेलोसिटी सिर्फ हो जाएगी इजिकल टू वी ए फिजिकल टू माइनस जी इंटू टी, इस तरह से हो जाएगी। तो ये होता है कि इसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होंगे, तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। जो इक्वल होंगी वो सिर्फ टाइम और एक्सीलेशन, क्योंकि दोनों के अंदर एक्सीलेशन जी के बराबर है। उसके बाद है 146। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजेंटली विथ कॉन्स्टेंट स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं की जाती, तो एरोप्लेन अगर इस तरह से मूव करता है और यहाँ से कोई भी चीज इस तरह से ड्रॉप करता है, तो एरोप्लेन की हॉरिजेंटल वेलोसिटी और इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए वो हमेशा एरोप्लेन के नीचे रहेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी एरोप्लेन की है वही वेलोसिटी उस बॉल की या पैकेट की है। 147 है। द रेंज ऑफ शेल फायर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली फ्रॉम 20 मीटर हाइट इज 1000 मीटर। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच इट वाज फायर्ड। देखिए, ये हाइट दी गई है हमारे पास, ये हमें हाइट दी हुई है, ये हाइट है एच, ये जो है वो हमारे पास फ्रॉम 20 मीटर हाइट, और इसकी रेंज जो है ये हमारे पास 1000 मीटर। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट एक्स कितनी है, क्योंकि ये फायर्ड हॉरिजेंटली है। जब फायर हॉरिजेंटली होता है तो वी वाई जो होती है वो जीरो होती है। तो आप इसको कर सकते हैं इस फार्मूले से, रेंज इज इक्वल टू
v नॉट एक्स अंडर रेडिकल 2h अपॉन g, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप कर सकते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग 1960 मीटर अबव द ग्राउंड एट 20 मीटर पर सेकंड। इफ अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट देन हाउ फार ऑन द ग्राउंड विल इट स्ट्राइक। देखिए ये हमारे पास है हाइट और ये है v वेलोसिटी और पैकेट इज ड्रॉप्ड और ये एरोप्लेन ग्राउंड से ऊपर 1960 और ये जा रहा है से। अब ये ग्राउंड के ऊपर कितने डिस्टेंस पे गिरेगी मीन्स रेंज बतानी है आपको। आपको पता है ये रेंज हो जाएगी वी नॉट अंडर रेडिकल, ये वी नॉट एक्स ही है क्योंकि हॉरिजेंटली है, वी नॉट एक्स अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी ये फार्मूला लगे। एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजेंटली with a speed of 100 meter per second drops a food package while flying at a height of 2000 meter. The time taken by the food packet to reach the ground. Same formula hai. Ke dekhe ye velocity hai. Aapko pata hai horizontally hai to v naught x hai. Aur ye height hai h hai. Aur iske andar time batana hai aapko. Aapko pata hai iske iska time hota hai 2h upon 150 है। A stone is thrown horizontally with velocity of 20 meter per second from a window 20 meter high. What is velocity of the stone just before striking ground? देखें इसमें ये है कि खिड़की है, इस खिड़की से इस तरह से स्टोन ड्रॉप किया हुआ ये इस तरह से आता है और जस्ट बिफोर ग्राउंड इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वी एक्स और दूसरा होता है वी वाई। यहां से वी नॉट एक्स दिया हुआ है, ये इसकी है हमारे पास हाइट एच और ये इसकी है वेलोसिटी वी नॉट एक्स, इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हुआ है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पे होगी वी, ये वी बतानी है कितनी है, वी हो जाएगी अंडर रेडिकल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स हो जाएगी वी नॉट एक्स के बराबर और वी वाई हो जाती है माइनस जी इंटू टी, या ये वी वाई हो जाएगा माइनस जी और टी हो जाएगा टू एच अपान जी, इस तरह से हो जाएगा। आप इसके अंदर रखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 151। सिंपल है, पेपर के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुश्किल हो। अब देखिए इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 151। अ स्टोन इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड। द पाथ ऑफ द स्टोन विल बी डैश एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। देखें जब कोई भी चीज इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए जो चीज किसी भी चीज से थ्रो की जाती है, जैसे एरोप्लेन होता है, अगर एरोप्लेन हो या कोई भी चीज हो वो हॉरिजॉन्टल मूव की जाती है, उससे कोई भी चीज अगर ड्रॉप की जाती है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, चाहे वो कार हो चाहे वो एरोप्लेन हो, तो वो लाइक जो है वो प्रोजेक्टाइल होगी और उसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 25 मीटर हाई, देन मार्क करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इसमें 25 मीटर हाइट से एक स्टोन थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली, तो इसमें स्टेटमेंट्स दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इज जीरो। देखें ये वही केस है कि जब इस तरह से हॉरिजॉन्टली हम थ्रो करते हैं किसी भी चीज को, तो इसके अंदर हम सिर्फ वी नॉट एक्स देते हैं और इसका वी नॉट वाई जो होता है वो जीरो होता है। फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल जीरो, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल जीरो नहीं होती, जब बॉल यहाँ पे होता है या नीचे आता है तो इसको वी वाई होती है और वो होती है वी वाई इज इक्वल टू, इसके यहाँ पे होती है वी वाई
वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी होती है, फाइनल इसकी जीरो नहीं होती अलॉन्ग वर्टिकल, और फाइनल वेलोसिटी जीरो भी इसकी नहीं होती, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 153 है, क्वेश्चन नंबर 153 है, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 25 मीटर हाई, देन मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए 25 मीटर हाइट से इसको थ्रो किया गया है, तो कहा गया है कि इसके अंदर इसके करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। ये इस तरह से सेम केस अभी चल रहा है, इस तरह से हाइट से थ्रो किया गया है। वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन। बेटा कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है उसकी वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि वी वाई चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी वी वाई यहाँ पे जीरो होती है और यहाँ पे बढ़ रही होती है। टोटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए कि टोटल वेलोसिटी के अंदर दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, वी एक्स तो कांस्टेंट रहता है, वी वाई कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो दो है, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड दोनों इनकरेक्ट है। A stone is thrown horizontally from window of a building 50 meter high, then which of the following remains conserved throughout motion? वही सेम केस है, सेम केस के ही सब क्वेश्चन है। अगर इस तरह से कोई भी चीज इस तरह से थ्रो करते हैं तो उसमें से कौन सी चीज कंजर्व रहती है? देखिए बेटा इस तरह से कोई भी बॉडी आती है उसकी वी एक्स जो होती है वो हर जगह पे कांस्टेंट रहती है, जबकि वी वाई जो होती है वो बढ़ रही होती है और वेलोसिटी भी बढ़ रही होती है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, वी एक्स तो कंजर्व रहता है लेकिन वी वाई बढ़ रहा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है, तो इसलिए कि वो हाइट से नीचे आ रहा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें जा रही होती है? काइनेटिक एनर्जी में। मोमेंटम, मोमेंटम भी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि हाइट से बाल नीचे आ रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मकसद है काइनेटिक और पोटेंशियल की सम, जब ऊपर से बॉडी नीचे आएगी तो काइनेटिक बढ़ रही होगी, पोटेंशियल कम हो रही होगी, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। 155 है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ शेल फायर्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम सम हाइट एच डिपेंड्स। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रेडिकल 2h/g, ये ओनली डिपेंड करता है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रेडिकल हाफ हाइट, ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट फायर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटली है, हॉरिजेंटली फायर किया गया है। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विथ 40 मीटर पर सेकंड एट सम एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, ये अ फर्स्ट केस है। आफ्टर फॉलोइंग बॉय रन्स अलॉन्ग हॉरिजेंटल टू कैच द बॉल, देन वॉट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉय। इसमें कहा गया है कि एक बॉय है वो इस तरह से 60 डिग्री पे बाल को थ्रो करके, जो 60 पे जाहिर सी बात है 60 पे बाल को थ्रो करेगा तो वो लाइक अ प्रोजेक्टाइल होगा। अब ये इस तरह से थ्रो करके इसी डायरेक्शन में भागता है और ये इसको कैच करना चाहता है, कि जैसे ये बाल इस तरह से आए तो बॉय यहाँ से भागता हुआ इसको आके कैच करे, तो जाहिर सी बात है इस बॉय की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द बॉय जो होनी चाहिए ये प्रोजेक्टाइल की वी नॉट एक्स के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल भी उतना ही हॉरिजेंटल डिस्टेंस तय करेगा जितना बॉय तय करेगा, तो दोनों को हॉरिजेंटली इक्वल डिस्टेंस तय करना है तब जाके बॉय इसको कैच करेगा। तो इसका मतलब है कि बॉय की स्पीड उतनी होनी चाहिए जितनी प्रोजेक्टाइल की वी एक्स होनी चाहिए,
प्रोजेक्टाइल की वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ द बॉय इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा लगाओगे तो सिर्फ आपको वी नॉट कॉस थीटा निकालना है। इसके बाद है 157 है, अ प्लेयर स्टैंडिंग ऑन अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर अबोव द ग्राउंड स्ट्राइक्स अ बॉल हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल 0.8 सेकंड आफ्टर हिटिंग द बॉल। इसमें भी केस वही है, सिर्फ टाइम का सिस्टम दिया हुआ है, इस तरह से थ्रो किया जाता है, ये बॉल इस तरह से आता है। अगर यहाँ पे टाइम कितना हुआ है, टाइम v नॉट, यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, और ये कितनी है, यहाँ पे दी गई है 20 दी गई है, ये 20 है। अब यहाँ पे ये वी वाई हो जाएगा, वी वाई हो जाता है माइनस जी इंटू टी, और टी दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 0.8 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दोनों वी वाई इस फॉर्मूले से निकालोगे, वी एक्स डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट दी हुई है 4.9 है, मकसद जी की वैल्यू आप 9.8 इस्तेमाल करोगे। 158 है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत ही छोटा है, लेकिन मैंने भेज दिए सब आपको। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज मोर ऑन द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंड। देखिए ये क्वेश्चन एनटीएस के टाइम में टेस्ट में भी आ चुका है कि एयर रेजिस्टेंस, और ये सिंध के बुक के अंदर डायरेक्ट ये लाइन लिखी हुई है जो प्रोजेक्टाइल की एप्लीकेशन है उसके अंदर हो सकता है, केपी और पंजाब के अंदर भी ये लिखी हो एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन वो मैंने पढ़ी नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर ये डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि वैसे भी आपको पता है एयर रेजिस्टेंस उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करेगी जो ज़्यादा टाइम एयर में रहेगा, तो जिसकी ट्रेजेक्ट्री हाई होगी उसकी एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ट्रेजेक्ट्री डिपेंड करती है थीटा पे, जिसकी थीटा बड़ी होगी उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ट्रेजेक्ट्री ज़्यादा होगी, तो आप कह सकते हैं कि हाई ट्रेजेक्ट्री जो होती है, ठीक है, हाई ट्रेजेक्ट्री के ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। देखिए ये 159 है, देखिए 159 है, इसके अंदर है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। There is a wall of 30 meter high at a distance of 10 meter from the point of the projectile. The ball will hit the wall at a height. देखिए इसमें कहा गया है कि एक यहाँ से बाल को थ्रो किया गया है, ये वाल है और वाल की हाइट कितनी है, वाल की हाइट है 30 मीटर, और बाल किस एंगल से थ्रो किया गया है, बाल थ्रो किया गया है 45 डिग्री पे। ठीक है, बाल को थ्रो किया गया है 45 पे, और ये वाल की हाइट है, हाइट ऑफ द वाल जो है ये है आपके पास 30 मीटर। अब ये बाल जाके इस वाल को लगेगा तो आपको ये हाइट फाइंड करनी है कि ये जो बाल यहाँ पे हिट करेगा ये हाइट जो होगी ये हाइट कितनी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर डिस्टेंस दिए हुए, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से वेलोसिटी दी गई है और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और थीटा है 45 डिग्री। अब इस जैसा केस जो होता है उसके अंदर पहले आपने ये देखना है कि ये जो बाल है ये वाल तक जो पहुंचेगा उसका टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स की वैल्यू 10 मीटर है, तो ये हो जाएगा V नॉट cos थीटा अपॉन 10। यहाँ से निकल आएगा आपके पास टाइम के, ये कितने टाइम के बाद जाके हिट किया, उसके बाद आप निकालोगे h1, h1 हो जाएगा
वी नॉट, देखिए हाइट होती है इनिशियल वेलोसिटी की वजह से, वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाओगे तो आपको हाइट मिल जाएगी और ये होगी 7.5 मीटर। ठीक है, ये एक जो हाइट दी गई है वाल की दी गई है, जरूरी नहीं है कि उतनी हाइट तय करे बाल जितनी वाल की है। इसमें सिंपली कहा गया एक लंबी दीवार है, हमने थ्रो किया है तो वो उसकी हाइट कितनी होगी। तो इस जैसे केस, जैसे वो टेनिस प्लेयर का होता है, क्रिकेटर का होता है, तो उसमें पहले हमने टाइम निकालना होता है कि जहां तक हमें एक डिजायर्ड चीज है वहां तक पहुंचने के लिए उस बॉडी को टाइम कितना चाहिए होता है। 160 है पेज। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ हॉरिजेंटल सरफेस विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकंड। इसमें कहा गया है कि एक बॉल है वो 60 डिग्री पे इस तरह से थ्रो किया गया है, इस तरह से आके गिरता है। ठीक है, आपको बताना है कि 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। देखिए 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वी वाई स्क्वायर। वी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा के बराबर, और वी वाई हो जाएगा, और वी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट वाई। वी नॉट वाई मीन्स वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी इंटू टी। तो ये हो जाएगा वी वाई इस फार्मूले से निकलेगा, वी एक्स इस फार्मूले से निकलेगा, आपको वेलोसिटी बतानी है। अब बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, देन When will the bullet return to the ground? इसमें कहा गया है कि एक बुलेट है जो 45 डिग्री पे थ्रो की गई है, तो कितने टाइम के बाद ये वापस आएगी। तो टोटल टाइम है, टोटल टाइम हो जाएगा 2v0y/g या 2v0 sin θ/g, सिंपल है। A ball is projected at an angle of 60 degree with the horizontal surface with velocity of 40, range of the projectile is, range आप कर सकते हैं v naught square sine 2θ/g। A ball is projected with the velocity of 20, the maximum height, maximum height का formula हो जाएगा v naught square sine square θ/2g। A ball is, yes, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक है, ये सिंपल होते हैं। अ बॉल प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी वी एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और ये कितनी मैक्सिमम हाइट है? 10 मीटर तय करता है। इफ द सेम बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 5 विद द सेम वेलोसिटी, देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इज 40 मीटर। ठीक है, देन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, देखें ये रेंज और हाइट का आपस में जो है वो ताल्लुक होता है कि अगर थीटा और फाई की 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है थीटा और 90 माइनस थीटा, मींस एक थीटा पे जो है वो थ्रो किया गया है और दूसरा कहाँ पे जो है वो थ्रो किया गया है, दूसरा थ्रो किया गया है थीटा पे। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि इसकी रेंज जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए इसका ये शॉर्ट फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसकी रेंज जो होगी उसके हिसाब से हम करते हैं शॉर्ट फार्मूले के हिसाब से, बाकी इस तरह से आप ये नहीं कर सकते क्योंकि एक होती है फॉर एग्जाम्पल 30 और 60 पे। अगर हमारे पास एक हम लें कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे अगर हाइट्स दी गई है आपको, तो उसकी आपको बतानी है कि उस पार्टिकल की रेंज कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप फार्मूला बनाओगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हाइट का फार्मूला आपके पास होता है
जैसे हाइट एच वन हो जाएगी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, एक होती है साइन 30, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं साइन 30, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाती है, दूसरी हो जाती है हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सॉरी 90 साइन 90 माइनस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम करेंगे तो इन दोनों से हमें क्या करना है कि जो है वो रेंज जो है वो बतानी है। तो इसका जो फार्मूला बनाओगे तो इसका फार्मूला जो बनता है वो बेसिकली शॉर्ट फार्मूला एक बनता है के 4 अंडर रेडिकल H1 H2 बनता है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है उसको आप इस तरह से करेंगे, दोनों को आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो होता है ना साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा जो बनता है ये बन जाता है इज इक्वल टू कॉस थीटा के, इस तरह से। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह इस्तेमाल करके इसका शॉर्ट फार्मूला एक बनता है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि जो इस तरह से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, टाइम के फॉर्मेट के अंदर भी आते हैं, हाइट्स के फॉर्मेट्स के अंदर भी आते हैं, तो सिंपली ये दो तीन ही क्वेश्चन होते हैं, एक टाइम के फॉर्मेट के अंदर होते हैं, एक हाइट के फॉर्मेट में। तो इसमें ये होता है कि अगर दो एंगल्स हो हमारे पास, एक थीटा वन हो और दूसरी 90 माइनस थीटा हो, ऐसी एंगल्स जिनकी सम बराबर हो 90 के, तो वो ये एंगल्स होंगी थीटा और 90 माइनस थीटा होंगी। तो उसके लिए जो हमारे पास रेंज होती है उसका फार्मूला होता है 4 टाइम्स अंडर रेडिकल H1 H2 होता है, इसके अंदर आप डालोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आपको ये शॉर्ट फार्मूला याद रखना है। 165 है, टेनिस बॉल इज सर्वड हॉरिजेंटली एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस जस्ट अबोव द नेट। यहाँ पे जितना पहुंचता है, तो मैंने ये पहले भी आपको बताया, अभी पहले क्वेश्चन भी किया था कि इसके अंदर पहले आपने क्या निकालना है, पहले टाइम, टाइम हो जाता है एक्स अपॉन वी नॉट एक्स, यहाँ पे एक्स है 10 और वी नॉट एक्स है 40, टाइम निकल जाएगा, और उसके बाद आप हाइट इस तरह से फाइंड करोगे इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि हाइट इसकी कितनी होगी जब ये पहुंचेगा वहां पे। ठीक है, अब देखें, अब आ जाए नेक्स्ट पे, सिंपल है, इतने कोई खास क्वेश्चन नहीं थे अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 166। देखिए 166 के अंदर है, अ बॉल इज थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 4 सेकंड्स, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। देखिए ये टोटल टाइम दिया हुआ है, ये टोटल टाइम दिया हुआ है, और उसके साथ क्या दिया हुआ है, और उसके साथ हाइट आपको बतानी है। तो इसके अंदर फार्मूला लगेगा हाइट अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एट, ये फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है। द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 1200 मीटर, देन द हाइट अटेंड बाय इट विल बी। देखिए मैक्सिमम जो रेंज है, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 है, 45 पे रेंज है 1200 मीटर, तो हाइट कितनी होती है। देखिए आपको पता है 45 पे रेंज होती है 4 टाइम्स हाइट, या हाइट होगी रेंज अपॉन 4। 168 है, मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन व्हिच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इफ ही थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रेन आफ्टर इट हैज मूव्ड
60 मीटर, देन हाउ मच स्पीड इज गिवन बाय द मैन टू द बॉल। देखिए इसमें ये कहा गया है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज जा रही है, उससे बॉल आप थ्रो करते हो। तो देखिए जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की है, इसकी अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो बॉल के अंदर ऑटोमेटिकली 10 मीटर पर सेकंड इनर्शिया की वजह से होगी। अब अगर हम इसको ऊपर थ्रो करेंगे तो हम इसको देंगे वी वाई, हम इसको देंगे वी वाई, हम इसको वी एक्स नहीं देंगे, हम इसको क्या देंगे, वी वाई देंगे, क्योंकि वी एक्स तो इसको मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ पहले ही है। ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव कर रहा है 10 से, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसकी 10 है। हम इसको थ्रो ऊपर करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, क्योंकि एक तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी उसके साथ है, ऊपर हम उसको वेलोसिटी देते हैं, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिक्स होके क्या बन जाएंगे, प्रोजेक्टाइल बन जाएंगे। तो इसमें हमें ये बताना है कि वी नॉट वाई कितना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी, ठीक है ना, इसके अंदर भी वही सेम चीज आपने करनी है के वी वाई फाइंड करना है। मैंने आपको रेंज का एक फार्मूला बताया था कि रेंज का फार्मूला होता है आल्सो वी नॉट एक्स इनटू टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम किसके बराबर होता है, इनटू टू वी नॉट वाई अपान जी। तो यहां से जो फार्मूला आता है ना, इस फार्मूले के मुताबिक रेंज जो होती है वो टू वी नॉट एक्स वी नॉट वाई अपान जी होगी। तो वी नॉट वाई जो होगा इज इक्वल टू रेंज अपान जी अपान टू वी नॉट एक्स होगा, तो आपको वी नॉट वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है, मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि वहां पे मैं पेज लगाऊंगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसकी जो वी नॉट वाई है वो रेंज इंटू जी अपान टू वी नॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन सच अ वे दैट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर 20 एंड 30 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। इट्स हॉरिजेंटल रेंज, फॉर्मूला सेम लगेगा, रेंज होती है टू वी नॉट एक्स वी नॉट वाई अपॉन जी। 170 है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजेंटल, इट विल मूव एट राइट एंगल्स टू द वर्टिकल आफ्टर टाइम। ये बेटा इस तरह से थ्रो किया जाता है, ये जब इस तरह से थ्रो किया जाएगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी वी एक्स होगी, तब इसकी एंगल जो होगी वर्टिकल के साथ 90 डिग्री होगी। तो वर्टिकल के साथ जो है वो 90 डिग्री पे ये तब जाएगा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उस वक्त का टाइम हो जाएगा वी नॉट वाई अपान जी के बराबर। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल वर्टिकल के साथ परपेंडिकुलर उसी सूरत में होगा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अजम्पशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सिंपल है, आपको पता है ऑल ऑफ दीज है। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल इज 100 मीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट 30 डिग्री, तो रेंज वन अपॉन रेंज टू इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर वगैरह कट जाएंगे, ये हो जाएगा साइन टू थीटा वन अपॉन साइन टू थीटा टू, वी और जी सब कट जाएंगे एक दूसरे के साथ। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट 60 विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर द फील्डर 30 मीटर, ये हो जाएगा एक्स और ये आपके पास थीटा है, ये होगा इसके अंदर पहले आप टाइम निकालोगे, ये आपको मैं बता चुका हूं कि इस तरह के केसेस के अंदर टाइम बताना है और उसके बाद हाइट आप इस तरह से निकालोगे वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप इसको फाइंड करोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 174 है,
टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी इफ वन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स. हाइट्स का रेशियो आपको बताना है एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा टू. If time of flight of a projectile is 10 seconds and range is 500 meters, then the maximum height attained by it will be. देखें time दिया हुआ है 10 second है और range जो होती है वो है 500 meters. अब आपको ये बताना है कि maximum height कितनी होती है. ठीक है, अब देखें height के अंदर हमेशा जो हमें मिलता है हाइट के अंदर वी वाई चाहिए होता है. अब वी वाई हमारे पास है नहीं तो हाइट होती है वी नॉट वाई स्क्वायर अपॉन टू जी. अब रेंज दी गई है तो रेंज होती है वी नॉट, इस तरह से रेंज होती है वी नॉट एक्स इंटू टी. तो v नॉट x हो जाएगा रेंज अपॉन t. ठीक है, जब आपको v नॉट x मिल जाएगा उसके बाद आप ये फार्मूला फिर इस्तेमाल करोगे रेंज इज इक्वल टू टू v नॉट x v नॉट y अपॉन g. इस तरह से करोगे रेंज आपको पता है यहाँ से वी नॉट एक्स आपको मिलेगी फिर आप यहाँ से वी वाई निकाल सकते हो यहाँ पे रखोगे तो आपको हाइट मिल जाएगी. 176 है ए बी सी एंड डी बॉल्स आर प्रोजेक्टेड लाइक प्रोजेक्टाइल विथ इक्वल वेलोसिटीज हैविंग एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 20 डिग्री 40 डिग्री 55 डिग्री 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल द बॉल हैविंग लॉन्गेस्ट रेंज. सबसे ज्यादा रेंज किसकी होगी, सबसे ज्यादा रेंज उसकी होगी जो क्लोज टू 45 होगा. ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम 45 पे होती है तो इन बॉल्स में सबसे ज्यादा जो क्लोज है वो है हमारे पास 40 वाला. देखिए ये 20 वाला 40 वाला और 60 वाला, इसमें से 45 के क्लोज है 40 डिग्री वाला तो बॉल भी होगा. 177 है इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रिपल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन सेम द मैक्सिमम रेंज. देखिए सिंपल सी है कि रेंज होती है वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. जब एंगल वगैरह सेम रखते हैं वेलोसिटी 3 बार बढ़ाते हैं रेंज 9 बार बढ़ जाएगी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एज प्रोजेक्टाइल. देखिए नेसेसरी जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो ये होती है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी जीरो ना हो, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा तो प्रोजेक्टाइल नहीं बन सकता. वर्टिकल कंपोनेंट जीरो से प्रोजेक्टाइल बन जाता है, जैसे सम हाइट से हम थ्रो करते हैं तो उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल देते हैं वर्टिकल जीरो होता है, तो वर्टिकल जीरो के सिवा प्रोजेक्टाइल बन जाता है लेकिन हॉरिजेंटल जीरो से प्रोजेक्टाइल नहीं बनता. हॉरिजेंटल जीरो करेंगे तो वो फ्री फॉल में चीज आ जाएगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जीरो करके आप प्रोजेक्टाइल नहीं बना सकते. ठीक है, आप वी वाई को जीरो करके प्रोजेक्टाइल बना सकते हैं सम हाइट से, वी एक्स को अगर आप जीरो करोगे तो प्रोजेक्टाइल कभी नहीं बनेगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी, तो इनिशियल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट नॉट बी जीरो, तो वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. कोई भी ऐसा प्रोजेक्टाइल के तीनों केसेस को देख लें, किसी भी केस के अंदर वी एक्स जीरो नहीं है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के अंदर वी वाई जीरो है लेकिन उसके अंदर नहीं है. डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एक्सीलेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज मैक्सिमम हाइट. देखें मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और एक्सीलेशन की डॉट प्रोडक्ट, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी सिर्फ होती है वी एक्स और एक्सीलेशन होती है जी. इस तरह से तो आपको पता है दोनों के अंदर थीटा कितनी होती है 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगी वी एक्स डॉट जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी.
ऑलवेज जीरो होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की सिर्फ वेलोसिटी अलोंग एक्स होती है, तो उस कंडीशन के अंदर इफ द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज फोर टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ये 45 पे होता है। इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद द सेम वेलोसिटी, देन देखिए 30 और 60 पे रेंज सेम होती है, 30 और 60 पे R1 इज इक्वल टू R2 होगा। अ बुलेट इज फायर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, देन टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट सिंपल है, टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू V0 y / g। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके अंदर है 183 है, 183 के मुख्तलिफ प्रोजेक्टाइल्स दिए गए, 1 है 2 है 3 है 4 है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर मुख्तलिफ रेंजेस हैं, तो रेंज के हिसाब से कहा गया है कि इनिशियल हॉरिजेंटल कंपोनेंट लोएस्ट टू द लोएस्ट फर्स्ट रखनी है। अब जाहिर सी बात है इसकी रेंज कम है, इसकी रेंज उससे ज्यादा है, इसकी रेंज उससे ज्यादा है, इसकी रेंज उससे ज्यादा है, तो जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसका वी एक्स ज्यादा होगा, मीन सबसे ज्यादा वी एक्स 4 का है और सबसे कम वी एक्स जो होता है वो है 1 का, तो 1 2 3 4 होगा। अजर्शन है टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट सेम एंगल, देन द मैक्सिमम हाइट रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अटेंड बाय बोथ द पार्टिकल विल बी सेम। देखिए डिफरेंट मासेज है ना, मास का कोई असर नहीं होता रेंज पे, इन चीजों पे कोई असर नहीं होता, तो अजर्शन ये। उसके बाद कहा गया द मैक्सिमम हाइट रेंज एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट मास ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है अजर्शन को कि जो रेंजेस हैं वो जो इक्वल हैं टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वो इसलिए क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो आप कहोगे अजर्शन एंड रीजन बोथ ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन। ठीक है, 185 है, हॉरिजेंटल रेंज इज सेम फॉर एंगल ऑफ थीटा एंड 90 - थीटा, सही बात है। तो हॉरिजेंटल रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये बात गलत है। ठीक है, रीजन गलत है क्योंकि रेंज एंगल पे डिपेंड करती है, तो अजर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन गलत है। 186 भी सेम तरह का है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मेड एन टाइम्स इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स एन टाइम्स, सही बात है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मेड एन टाइम्स। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर आता है 2V0 sin θ / g, तो जितनी बार वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी बार टाइम बढ़ेगा। अब इसमें क्या कहा गया, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन इनिशियल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए अजर्शन टाइम के बारे में, रीजन रेंज के बारे में, बातें दोनों सही है, अजर्शन भी सही है रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। अजर्शन की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन के अंदर, बातें दोनों सही है, तो ये हो जाएगा बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन। उसके बाद है 187 है, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, if the ball has started its journey from a height of 100 meter off the ground, then the time it will take to hit the ground is equal to, dekhiye ye case hai ki some height se jab jata hai to ye jab is tarah se aata hai to iska time bata rahe, iske andar do time hote hain, t1 hota hai, heights bhi do hoti hain, h1 hoti hai, h2 hoti hai, aur ye time t2 hai, iska pura process aapko likhwaya hua hai, t1 hai प्लस T2 है, कैसे फाइंड करोगे पूरा प्रोसेस आपको पॉइंट्स में लिखवाया हुआ है, सिंपल है ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज जीरो, मिनिमम जीरो नहीं होती क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कम से कम होती लेकिन जीरो नहीं होती,
वी वाई जीरो होता है, वी एक्स तो कभी भी जीरो नहीं होता, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कम से कम होगी, जीरो नहीं होगी। द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज इक्वल टू इट्स इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, नहीं वर्टिकल भी के बराबर नहीं होती, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है जो हॉरिजेंटल के बराबर होती है। द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज इक्वल टू द इनिशियल हॉरिजेंटल, सही बात है, क्योंकि मिनिमम होती हाईएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है ना वो वेलोसिटी होती है वी एक्स के बराबर। द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट नेवर जीरो, सही बात है, कभी भी जीरो नहीं होती, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा कि जब गिरती है गिरने के बाद जीरो होती, गिरने के बाद प्रोजेक्टाइल नहीं रहता। अब एक्सप्लेनेशन अपनी हाथ से नहीं बनाइएगा, जीरो नहीं होती कभी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आइंस्टाइन वगैरह बेचारे मर गए, नहीं तो उनको परेशानी होती इस बार, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है हमारे पास 89 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द एक्सीलेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स अपर्ड फ्लैट, सही बात है, जी के बराबर होती है। The acceleration of the projectile remains constant during its downward flight. सही बात है, जी के पार बराबर होती है, कांस्टेंट ही होती है। The acceleration of the projectile इनकी नहीं, acceleration ना increase होगी ना decrease, constant होती है, तो 1 and 2 होगा। Which of the following statement is are correct? The vertical components of projectile velocity remains constant. गलत बात है, vertical ऊपर जाते हुए कम होता है, height पे zero हो जाता है, नीचे आते हुए बढ़ता है। The vertical component of projectile velocity is never zero. ये बात भी गलत है, height पे vertical component zero हो जाता है। The horizontal component of projectile velocity remains का, सही बात है, Vx पे कोई change नहीं आती। The horizontal component of projectile velocity never zero, सही बात है, दोनों बातें सही है। तो हमारे पास जो incorrect होंगी वो 1 and 2 होगी। Ideal projectile motion neglects, ये केपी के लाइन है, केपी के बुक के अंदर सीधी लिखी हुई है, ये ऑल ऑफ दीज होगा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी डिपेंड अपॉन ईच अदर नहीं करते, क्योंकि मोशन इन प्लेन होती है, मोशन इन प्लेन जो होती है उसके अंदर जो होता है वो दोनों इंडिपेंडेंट होती है, तो जो है वो दोनों से इंडिपेंडेंट होती है। वर्टिकल कंपोनेंट डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये भी नहीं होता, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। 193 है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन इन टू डायमेंशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलेशन, ये पंजाब की लाइन है, बुक के अंदर सीधी लिखी हुई है, क्योंकि मोशन इन टू डायमेंशन है लेकिन कांस्टेंट होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 है, रेंज एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल 76 पे होती है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर है 197 है, इन सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन द मास ऑफ द बॉडी हैज एन इफेक्ट ऑन कैलकुलेटिंग, देखिए मास का इफेक्ट सिर्फ फोर्स पे होगा, वेलोसिटी वगैरह किसी के फार्मूले में नहीं आता। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ टू लीनियर मोशंस है, सुपरपोजिशन दो लीनियर की है, दो टू डायमेंशनल की नहीं है। अब ये सिंध का डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि इसके अंदर ये कहा गया है कि रेंज वन जो होती है, रेंज वन जो होती है हमारे पास ये आर है, और रेंज टू जो है ये आर अपॉन टू है, ठीक है। अब ये किस एंगल पे होगी, तो वही फार्मूला आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू साइन टू थीटा वन अपॉन साइन टू थीटा टू, ये एग्जांपल किया हुआ है, इसके अंदर आप कर सकते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग के मैं आपको भेज रहा हूं, उसके बाद जो है वो आपकी बायो की क्लास होगी, ठीक है।